क्या बता दोस्तों, इसको गेस नहीं है अभी किसी भी तरह का कि कौन सा सरप्राइज का वेट कर रहा है, और बस अभी एक मिनट में अभी इसके पास वो सरप्राइज बस पहुंचने वाला है। बस हम लोग के साथ बने रहिए। कौन भाई नाम बता। तो अभी हम लोग इसी रोड से जा रहे हैं बिग बाजार, पानी टंकी पे थे, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं पानी टंकी भी हम लोग, यही रोड है, इसी रोड से हम लोग जा रहे हैं बिग बाजार। और ये दिवसरी पार्क वाला रोड है, ये देखिए दिवसरी पार्क, पार्क अभी बंद है, बहुत जल्द पार्क ओपन होगा तो हम लोग पार्क भी आपको ब्लॉग दिखाएंगे। इसी रोड से हम लोग जा रहे हैं बिग बाजार, मुजफ्फरपुर का सबसे नामी मॉल यहाँ पे है, सबसे पहला मॉल तो खुला था बिग बाजार मॉल। आप लोग देख रहे हैं ये जो बड़ा वाला बिल्डिंग है सिनेपोलिस, यही है बिग बाजार मॉल, इसी में भी हम लोग, मेरा फ्रेंड रुका हुआ है, अभी हम उससे मिलने जा रहे हैं, यही मॉल है। तो अभी जस्ट हम लोग पार्किंग में गाड़ी लगाए हैं, यहाँ पे पार्किंग में हम लोग गाड़ी लगा चुके हैं, और यही पूरा मॉल है, देखिए आप लोग बिग बाजार मॉल, ग्रैंड मॉल इसको हम लोग बोलते भी हैं। अंदर फिर पूछते हैं, कॉल करेंगे अंकित तो कहाँ पे है वो, तो यही है इसका मुख्य द्वार है कॉल करने के लिए, ये उसका मुख्य द्वार है। तो यही मॉल है, देखिए यहाँ पे खेलने की व्यवस्था है बच्चा लोग के लिए, गाड़ी भी यहाँ पे है, देखिए यहाँ बच्चा खेल रहा है, यहाँ पे रखा हुआ बच्चा के लिए गाड़ी पे, देखिए तो बच्चा यहाँ पे गाड़ी चला रहा है, खेल रहा है। तो यहीं से अंदर जाने का रास्ता है बिग बाजार का, तो बिग बाजार के अंदर भी हम लोग आ चुके हैं, वह फोन करते हैं, पूछते हैं कि वो किस फ्लोर पे है, आंटी से बात करते हैं अभी पहले हम लोग। भाई कहाँ पे है बिग बाजार में आप? फूड कोर्ट में है, ठीक है भाई मैं पहुँच रहा हूँ। तो अंकित भाई अभी फूड कोर्ट में है, दोनों जा रहे हैं फूड कोर्ट के अंदर, फिर उनसे हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है, उसके बाद फिर हम लोग अंदर जाएंगे यहाँ से होने के बाद, तो वीडियो में आप लोग बने रहे। तो अभी हम लोग मॉल के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, काफ़ी कम भीड़ यहाँ पे दिख रहा है, इस कारण से अभी यहाँ पे भीड़ कम है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फूड कोर्ट में, यहाँ पे अभी हम लिफ्ट से जाने वाले हैं सेकेंड फ्लोर पे। वो यहाँ बैग जमा कर दो, अभी यहाँ पे बैग जमा होता है, क्योंकि बिना बैग जमा किए हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। वो यहाँ बैग दो, यहाँ पे हम लोग बैग जमा कर रहे हैं, बैग जमा करके यहाँ से हम लोग को पर्ची मिलेगा जो कि रखाएगा। ले जाओ खड़ा देख देख खड़ा हुआ बिल्कुल। तो फाइनली अभी बिग बाजार में आ गए हैं मेरे दोस्त अंकित से मिलने के लिए, तो इससे हम लोग 6 साल बाद मिल रहे हैं, लगभग 6 से 7 साल हो गया हम मिले हुए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अचानक कल मुझे अंकित फ़ोन किया कि भाई मिलना है, बहुत दिनों से मिले हुए होगा, तो इसके बाद हम मिलने के लिए आ गए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है इससे मिल के। तो भाई बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है मिलने से? भाई बहुत अच्छा यार, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले यार, जैसा हम तुम 6 साल पहले देखे थे, जितना पहले मजाकिया स्वभाव हंसमुख चेहरा, भाई अच्छा लगा वापस से बोले, बहुत अच्छा लगा यार तुम साथ मिल करके, आफ्टरऑल 6 साल के बाद। 6 साल बहुत लंबा टाइम होता है, 6 साल बाद अचानक कॉल आना और फिर मिलना अचानक से, फिर भी अचानक मिल जाए हम लोग, ये बहुत बड़ी बात है, अचानक कोई मिलता नहीं हम लोग के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही, एक कॉल पे हम लोग आ गए हैं
और भाई तुम्हारा क्या चल रहा है? बोला एक्चुअली भी फुल्ली अभी सोशल वर्क पे भी वर्क मेरा भी चल रहा है, जैसा भी तुम गूगल पे भी अगर लिख करके देख लो अंकित कुमार शर्मा मुजफ्फरपुर तो सारा दे देता है मेरे बारे में, और अच्छा लगता है भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास हेल्प पहुँचाए। जैसे एज अभी बात बताते हैं कोविड भाई जो कोई भूल नहीं सकता, कोविड और लॉकडाउन टाइम में खुशी है कि हम अपने और अपने टीम के माध्यम से जहाँ तक हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड ऑक्सीजन और फूड मेडिसिन इसी सारे पैनल पर हम लोग काम किए, और भाई तुम लोग का साथ रहा तो और भी हम इस चीज़ को और भी बड़े लेवल पर मतलब ले जाना चाहते हैं। मेरा फुल सपोर्ट तुम्हारे साथ भाई, तुम्हें जब भी कोई काम हो मुझे आराम से कॉल करना, मेरा नंबर तुम्हारा है तो जब भी मन तुम फोन करा, हम जो सपोर्ट हम बोला फुल सपोर्ट करें। बहुत बहुत थैंक यू भाई। और इसके अलावा मतलब अभी क्या हो रहा है? बस फिलहाल तो ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, अभी नया से नया चैनल है, 2800 का मेरा चैनल स्टार्ट हुआ है और पूरी तरह से ग्रो कर रहा है, अभी बस सपोर्ट मिलेगा तो ग्रो और करें। बिल्कुल 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 ग्रो करेगा, और हम सारे लोगों से बस ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं भाई, मेरा आशीष दोस्त है मेरा भाई है, और सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो उन सारे दोस्तों के पास पहुंचना चाहिए जो अपने एक एक फ्रेंड को हमेशा याद करते हैं। आफ्टर ऑल सोच करके देखिए 6 साल के बाद आज हम मिल रहे हैं तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी, सोच करके देखिए वो दोस्त जो काफ़ी दिनों के बाद एक दूसरे से मिलेंगे और ये वीडियो उनके पास जाएगा तो उन्हें कैसा महसूस होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और खैर खुशी तो मुझे इस बात की है कि क्या मैं बोलूँ भाई, बहुत अच्छा लगा यार। तो गाइस आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग से बात मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा है, एक दोस्त से मिलने की खुशी से हम लोग को पता और खुशी को नहीं बताओ, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। गाइस मिल दोस्त, और तुम्हारे लिए भी एक और सरप्राइज आना बाकी है। मेरे लिए कौन सरप्राइज भाई बताओ? बहुत स्पेशल। कौन? कोई गेस कर सकते हो? नहीं हमको तो पता नहीं इसका क्या बता। दोस्तों इसको गेस नहीं है अभी किसी भी तरह का कि कौन सा सरप्राइज का वेट कर रहा है, और बस अभी एक मिनट में भी इसके पास वो सरप्राइज बस पहुँचने वाला है, बस हम लोग के साथ बने रहिए। कौन है भाई, नाम बता अपना। अरे शुभम, क्या हाल है भाई? ये तो मेरे लिए यही सरप्राइज था शुभम, ये मेरा क्लासमेट रह चुका है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है शुभम। और नहीं तो क्या, और हम तीनों साथ में एक क्लास में पढ़े हुए थे, एक ही सेक्शन हम लोग का था, एक ही हम लोग बेंच से बैठते थे भाई। अजीब नहीं लग रहा यार? आज 6 साल बाद मिल रहे हैं हम लोग तीनों दोस्त एक साथ। बिल्कुल यार अजीब लगे, एक्चुअली मुझे सर्दी हो गया है, जुकाम। इसीलिए भीड़ में हमेशा अलग अलग रहता है यार। तुम भी नहीं बदला, उसमें बोल रहे थे कि आशीष ने बदला, तुम भी नहीं बदला मेरे भाई। नहीं, हम तीनों को वैसे ही रहना है जैसे पहले थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अभी हम अपने दोस्त से मिल लिए हैं, मैं दो दोस्त अंकित शर्मा एक शुभम, तो अब हम लोग चलते हैं बिग बाजार में, यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोग मिलते हैं यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है, यहाँ से मिलते हैं भाई से बात करते हैं। हेलो भाई, क्या हाल है आपका? तो भाई आपका नाम क्या बोला, अपना नाम बताओ, कुछ बताओ अपने घर में आप। पंकज पांडे। तो ये आपका अपना यहाँ पे है शॉप ना? नहीं, जॉब करते हैं। तो यहाँ पे जॉब करते हैं भाई, यहाँ पे आइसक्रीम का है, तो यहाँ पे कितने टाइप का बताइए, यहाँ पे क्या क्या मिलता है आइसक्रीम का, नाम बताइए आइसक्रीम का। सब फ्लेवर अलग अलग है, मैंगो बटरस्कॉच, पाइनएप्पल, राजभोग, काजू किशमिश, साइकिल फ्रीज, सब फ्लेवर। तो आप लोग जब भी यहाँ बिग बाजार में आइएगा भाई से जरूर मिलिएगा, और इनके आइसक्रीम जरूर एक बार टेस्ट कीजिएगा आप लोग, मैं आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है। तो भाई चलते हैं, हम लोग आके मिलते हैं आप लोग बाद में, ठीक है भाई? ठीक, चलिए। गेम जोन भी अभी आप लोगों को गेम जोन हम दिखाने वाले हैं, तो इसका नाम है Fun 65। ये है गेम जोन, अभी यहाँ पे पूरा भीड़ भरा हुआ है पब्लिक का, ये हम लोग गेट एंट्री यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ भीड़ लगा हुआ है, और यहाँ पे पूरा खेलने के लिए पर भरा हुआ है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिख रहा है आप लोग गेम जोन में। यहाँ पे तरह तरह का गेम खेलने को मिलेगा आपको यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये बहुत सारा गेम खेलने को, यहाँ बच्चे का गेम खेलने को, यहाँ बड़ा का भी एक गेम है, यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, देखिए आप लोग बच्चे लोग हैं, गाड़ी से बड़े लोग हैं, यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, देखिए यहाँ पे सब लोग यहाँ पे खेल रहे हैं एक साथ। ये काफ़ी मज़ेदार है यहाँ गेम फन, ये सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया है, बिग बाजार मॉल से हम लोग बोलते हैं ग्रैंड मॉल में, सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया है। तो गाइस जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फाइनली हम लोग पूरा बिग बाजार मॉल घूम लिए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं घर, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए सी यू सून।